सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स के यूजेस बताने वाला हूँ जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगती है और आपको कम मेहनत में आपका प्लांट अच्छा हरा भरा दिखने लगता है और उसमें फ्लावर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा दिखती है, या कोई फ्रूट वाला प्लांट है तो उसमें फ्रूट आपको दिखाई देता है। तो लेकिन इन फर्टिलाइज़र्स का आपको सही तरीका यूज़ करने का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका यूज़ सही नहीं आप करेंगे तो आपका प्लांट तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यूरिया की बात कर लें, तो ये आप देख सकते हैं, ये यूरिया है। ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का आपको दानेदार दिखाई देगा, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा नर्सरी शॉप पे, और इनका यूज़ बहुत ही आसान होता है। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को काफ़ी अच्छा कर देता है। तो अगर आप इनको प्लांट में डालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो प्लांट में आप चारों ओर अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको थोड़ा सा इस तरह से आपको यूरिया लेना है और प्लांट के स्टेम से काफ़ी दूर आपको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आपको स्टेम से काफ़ी दूरी पर डालना है चारों ओर। यूरिया को हमें प्लांट को लगभग 15 दिन में एक बार आपको प्लांट में डालना है और उसके बाद इसमें चारों ओर पानी डाल देंगे ताकि यूरिया मिट्टी में अच्छे से घुल जाए, जिससे प्लांट की जड़ों को धीरे धीरे पोषक तत्व मिलता रहे। आप यूरिया का यूज़ पानी में भी कर सकते हैं। आप एक चम्मच इस तरह से लगभग एक लीटर पानी में यूरिया को मिला करके आप पौधों को थोड़ा थोड़ा करके आपको देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा हो गई तो हमारा प्लांट जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अब हम बात करते हैं पोटाश की। ये जो आपको दिख रहा है ये पोटाश है और इसका कलर आप देख सकते हैं, ये पिंक टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, और इस पोटाश के ज़रिए भी हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाता है। इसका यूज़ भी आपको प्लांट में स्टेम से दूरी पे करना है, जैसे मैंने यूरिया का यूज़ बताया उसी तरह से आप पोटाश को भी मिट्टी में चारों ओर स्टेम से काफ़ी दूरी पे डालेंगे। पोटाश के यूज़ से हमारे प्लांट के रूट्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और उनमें जो स्टेम होता है वो भी काफ़ी हेल्दी हो जाता है, जिससे हमारा पूरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और उनमें आने वाले फ्रूट या फूल के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्लूम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लूम करते हैं। अब हम बात करेंगे इस मिक्स फर्टिलाइज़र की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिक्स फर्टिलाइज़र है और इसमें बोन मील और कई तरह के मिक्स फर्टिलाइज़र हैं जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो ये ज़्यादातर मिक्स फर्टिलाइज़र के रूप में गुलाब के पौधे में यूज़ कर सकते हैं और गुलाब के पौधे में यूज़ करने से आपके जो गुलाब के प्लांट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, उनमें जो बड्स आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी आएंगी और फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा और जो प्लांट है वो हमको चमकीला दिखाई देगा और जो फ्लावर हैं उनके वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चमकीले दिखाई देंगे। तो इनका यूज़ हम जड़ों के पास करते हैं। हमारा अगला फर्टिलाइज़र नीम की खली है और इसके यूज़ से हमारे जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तो होती है, इसके जरिए हमारे प्लांट में किसी भी तरह के इंसेक्ट या चींटी वगैरह नहीं लगते हैं। तो इनका यूज़ अगर आप मिट्टी में करते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, साथ ही साथ हमारे प्लांट में किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है और चींटियों से भी हमें रिलीफ मिलता है। तो आप इनका यूज़ एक चम्मच लगभग जड़ के पास आपको करना है, जिससे हमारे प्लांट को अच्छे तरीके से पोषण मिले। नीम की खली को हम जड़ के पास डालेंगे प्लांट के। तो सबसे पहले तो हम प्लांट की जो पॉट है उसमें लगभग 2 इंच गहरा गड्ढा खोदेंगे। तो 2 इंच या 3 इंच के लगभग गहरा आप जब गड्ढा खोदेंगे तो उसमें आपको इस नीम की खली को इस तरह से डाल देना है और इसी के साथ आपको मिक्स फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर लेना है। तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मिक्स फर्टिलाइज़र बताया था उसको भी आपको इसी तरह इस प्लांट के चारों ओर डाल लेना है जड़ के पास। तो इन दोनों का यूज़ ही सेम एक ही जैसा है और इस तरह से आप प्लांट के दूसरी तरफ भी गड्ढा बना करके आपको इस तरह से कर लेना है, जिससे आपके प्लांट को पोषक तत्व मिल जाएंगे और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और उसके बाद आपको इसमें पानी डाल देना है। नीम की खली और मिक्स फर्टिलाइज़र को आपको प्लांट को लगभग 15 दिन पे एक बार देना है।
अगला हमारा फर्टिलाइज़र है सरसों की खली। तो जहाँ पे सरसों से तेल निकाला जाता है वहाँ पे आपको ये सरसों की खली बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और ये भी हमारे प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन इसका सही यूज़ अगर आपको नहीं आता है तो हमारा प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो इसकी बहुत ही थोड़ी मात्रा आपको प्लांट को देनी होती है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने प्लांट को सरसों की खली दे दी तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसको हम जब यूज़ करेंगे तो पानी में मिला करके यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको लगभग 300 ml पानी में 2 से 3-4 इनके टुकड़े लेने हैं आपको, और इनको लगभग रात भर आपको छोड़ देना है जिससे ये पानी में अच्छे से घुल जाएगा। आप देख सकते हैं नीम की खली पानी में अच्छे से घुल गई है, और अब हम इस पानी को अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम इसको प्लांट में देंगे। तो प्लांट में आपको थोड़ा थोड़ा देना है, आप इसको बचा करके रख भी सकते हैं पानी को। आपको बहुत थोड़ी मात्रा में प्लांट को इस तरह से आपको देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जितना मैंने आपको इन प्लांट में डाल के दिखाया बस इस तरह से आपको लगभग 15 से 20 दिन में एक बार आपको देना होगा, जिससे आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। अगला हमारा फर्टिलाइज़र DAP है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें जितने भी काले दाने हैं वो DAP हैं, और जो सफ़ेद टाइप के आपको दाने दिख रहे हैं वो NPK के हैं। तो NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो उनमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, और जो DAP होता है उसे डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, और अगर प्लांट में पीलापन आ रहा है तो ये तुरंत ही आपके प्लांट को हरा भरा और घना बना देता है, तो जिससे हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाता है। इसका यूज़ हमें कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले तो हम प्लांट के चारों ओर जो पॉट में मिट्टी है उसको अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, और उसके बाद लगभग आपको 1 चम्मच DAP का लेना है। इसमें कुछ NPK के भी दाने हैं, तो आपको स्टेम से काफ़ी दूरी पे इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके पॉट के चारों ओर डालना है, और ये काम आपको लगभग 20 दिन में एक बार करना है। और अगर आपको लगे कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगा है तो इसका यूज़ आपको बंद कर देना है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। और उसके बाद आपको इसमें पानी डाल देना है प्लांट के चारों ओर, जिससे आपका जो प्लांट है उसको इसकी जो पोषक तत्व हैं वो मिल जाएंगे। तो ये हमारा जो DAP है वो काफ़ी अच्छे से प्लांट को ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो हमारे प्लांट को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, लेकिन इनका अगर सही यूज़ ना किया जाए तो हमारे प्लांट बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।